आप फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स और खुश होंगे गाइज। और मैं यहाँ पे आपको दोपहर का लंच दिखा रही हूँ कि मैंने ये सब बनाया था। और आज आपको ना मेरे किचन का प्लेटफॉर्म भरा हुआ लग रहा होगा क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बनाई थी ना, तो जिस दिन ऐसी कुछ चीज़ें बनती हैं थोड़ी थोड़ी, तो ये भरा हुआ ऐसा लगता है। ये सलाद काट के रखा था, लौकी का रायता, आलू की सब्जी और खट्टी मीठी आम की चटनी और आम मिर्ची और आम की लौंजी, तो इतना सब बना था गाइज। और यहाँ पर बीच का ना वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गई जब मैंने किचन साफ की थी और रोटियाँ बनाई थी, वो आगे तो ऐड हो गई और बीच में फिर ना मुझसे लग रहा है डिलीट ही हो गई। और यहाँ पर फिर मैं अपने लिए मेहंदी लगानी है मुझे बालों में, तो पहले मैं सुबह सोच रही थी लेकिन गाइज वो ये ना टाइम नहीं मिल पाता है। तो सारा घर का काम ख़त्म करने के बाद में 3 बजे के बाद फिर मैंने अपने बालों में मेहंदी लगाई थी और उससे पहले किचन साफ कर ली थी, लंच दे दिया था, सब कुछ सेट करने के बाद तरबूज वगैरह सब कुछ दे दिया था हस्बैंड जी को और लवी को। और यहाँ पर मैं कपड़े तय कर रही हूँ, फिर आयरन मैं रात में करूँगी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है फ्रेंड्स अपने लिए कुछ भी करने का। ना सोचना पड़ता है कि ये काम कब करना है, ये काम कब करना है। यूट्यूब पर आने के बाद ना लाइफ वास्तव में बिजी हो गई है। मैं तो कभी भी कुछ भी अपने मतलब कभी भी कुछ भी कर लेती हूँ, मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है। और यहाँ पर 3 के आसपास हुआ था तो फिर मैं मेहंदी लगाने बैठ गई। तो मैं खादी मेहंदी यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, पहले नूपुर करती थी, नूपुर तो है ही अच्छी और खादी भी अच्छी है, खादी भी अच्छी है फ्रेंड्स। इसमें मैंने ना वो कॉफ़ी पाउडर थोड़ा मिला लिया था, मुझे थोड़ा सा गोल्डन टच मतलब वो चाहिए था बालों में, तो इस करके मैंने वो लगा लिया था। और काफ़ी अच्छी मेहंदी है, 15-20 मिनट लगा के मैं सो गई थी इसको पॉलीथिन लगा के। और गाइज यकीन मानिए ना, बाल इतने मेरे सॉफ्ट हो गए थे ना मतलब कॉफ़ी यूज़ करने के बाद में, तो अच्छा सा तो फील होता ही है जब जब थोड़ा सा हमें अच्छा लुक मिलता है तो खुद को अच्छा फील होता है। और बस अब थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी इसको लगाने के बाद फ्रेंड्स। और बस ऐसे ही है, जब टाइम मिले तब कर लेती हूँ, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि जब करना है तब करना है, जब टाइम मिले तभी कर लो गाइस। हाउस वाइफ की जो लाइफ है ना वो यही होती है। और यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि मैंने अभी जो है बालों को छोड़ दिया है ऐसे। अभी देखिए मैं शैम्पू करके नहीं आई हूँ, केवल मैंने पानी से वॉश करके आई हूँ, थोड़ा सा कंडीशनर लगा लिया था। वो इसलिए लगाया क्योंकि ना थोड़े से उलझे उलझे बाल हो रहे थे, बिल्कुल भी हाथ नहीं जा रहा था बालों में। हालाँकि मैंने शैम्पू सुबह किया था लेकिन फिर भी ना आप देखिए बालों को देख के ना बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है, बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट बाल हो गए हैं। और फिर मैंने थोड़ी बहुत पिक्स ली, पिक्स का तो मुझे शौक है ही फ्रेंड्स, है ना, तो काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे। और अभी ये जो वीडियो है मेरा सैटरडे का है, तो संडे को फिर मैं शैम्पू करूँगी तो अच्छा खासा ऑयल लगाने वाली हूँ नाइट को। और मैंने टी शर्ट भी चेंज नहीं करी, टी शर्ट मेरी सारी गीली हो गई थी। मैं ना मेहंदी जब मैंने लगाई थी तो भी मैं सो गई थी, और बालों को फिर जब मैं वॉश करके आई तो भी फिर मैं अपना वीडियो वगैरह वॉच करने लगी थी, तब मैं लेट गई थी। तो थक तो जाते ही हैं गाइस, सुबह से लगे रहते हैं, कितने काम हो जाते हैं घर के, अपने लिए भी ना टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज मुझे लगाना है नेल पेंट, तो वो भी मैं सोच रही हूँ कब लगाऊं। और हफ्ते में 10 दिन में एक बार चेंज तो कर ही लेती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको टाइम बता रही हूँ कि 4:30-5 बज चुके हैं, यानी कि 5 के आसपास टाइम काम पड़ा है मेरा। मेरा फ़ोन भी फ्री ने मतलब फ़ोन भी हैंग कर रहा है, इसमें वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, वो एडिटिंग करनी है, तो अभी मैं करती हूँ एडिटिंग। देखिए कपड़े पड़े हुए हैं, प्रेस करूँगी मैं शाम को, ये देखिए कपड़े रखे हुए हैं, इनको आयरन करूँगी। बस चलो फ्रेंड्स लग जाती हूँ काम में। और यहाँ पे नाइट हो चुकी है और मैं अभी कपड़े आयरन कर रही हूँ, हस्बैंड जी के हैं और लवी के हैं, तो बस ये कर दूँगी कपड़े क्योंकि कल संडे है ना, तो मैं सोचती हूँ कि सैटरडे को ही ये सब काम ख़त्म कर दूँ। और संडे को वैसे काम बहुत सारे हो जाते हैं, घर में रहते हैं ना तो फिर ये सब काम करने का मौका मिलता ही नहीं है, बस खाने का कुछ बना दो या कोई ऐसी मतलब क्लीनिंग हो जाती है कुछ ऐसे अलग तरीके की। संडे को घर में रहते हैं तो और एक्स्ट्रा काम निकल ही आते हैं, संडे यानी कि बिजी डे हो जाता है हम लोगों के लिए। कुछ काम नहीं हो ना फिर भी लगता है कि संडे को बहुत सारे काम हैं, वो सभी के साथ ऐसा ही होता है। और यहाँ पर ये हैंगीज हैं तो इनको कर लूँगी मैं आयरन। और गाइस इसके बाद मैं लगाऊँगी बालों को, करनी है हेयर ऑयलिंग क्योंकि मेहंदी लगाई थी ना, तो ज़रूरी होता है हेयर ऑयलिंग करना। वैसे मैं नहीं लगाती, मैं केवल 1 घंटे पहले लगाती हूँ हेयर वॉश से, बट एक ही मेहंदी लगाई थी तो ज़रूरी है कभी कभी अच्छे तरीके से बालों के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। हालांकि मैं बालों की बिल्कुल भी केयर नहीं करती हूँ। अब लाइफ ना इतनी बिजी हो गई है कि
क्या करें, अच्छा लगता है बिजी रहना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बिजी रहना, क्योंकि खाली दिन खाली मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बट अब ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है कुछ तो कर रही हूँ, घर के काम ही सही लेकिन करती तो हूँ। देखो कुछ लोग क्या होते हैं ना, घर के काम करते हैं केवल करते हैं, मतलब उनको निपटाना होता है इसीलिए काम करते हैं, और मैं, मुझे अच्छा लगता है मैं इसलिए काम करती हूँ, मुझे हर चीज़ अच्छे तरीके से पसंद है, हर चीज़ घर में कोई भी चीज़ हो वो ढंग से रखी हो। तो बस अपना अपना नज़रिया होता है या करने का, काम करने का तरीका होता है हर चीज़ का ना, किसी को बाहर बातें करने में सुकून मिलता है, घूमने में सुकून मिलता है, तो मेरा ये सब नेचर नहीं है, मैं अपने में बिज़ी रहती हूँ, अपने कामों में बिज़ी रहती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं ब्रश करके आ गई हूँ और फेस वॉश कर लिया है, और ये स्किन का मैं दिखा रही थी आपको, ये डॉक्टर ने रिकमेंड किया है स्किन के लिए, तो देखती हूँ इसका 1 मंथ में क्या रिजल्ट निकलता है। मैं दिखा के ही आ गई थी, मैंने कहा चलो दिखा आती हूँ, थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जलन भी स्टार्ट हो गई थी ना मेरी आईज़ के आसपास, तो ये सब ये चीज़ें हो ही जाती हैं। अब हमारा काम तो फ़ोन का है ही ज़्यादा, और यहाँ पर देखिए मैं कभी भी कुछ भी काम करने बैठ जाती हूँ, टाइम 11:30 हो रहा है और मैं लगा रही हूँ नेल पेंट, और मोस्टली मैं नाइट को ही नेल पेंट लगाती हूँ, क्योंकि पानी नहीं जाता ना तो थोड़ा सा अच्छे रहते हैं, और लगा के बस फिर सो जाती हूँ, हमेशा का मेरा यही रहा है। और ब्लू नेल पेंट मुझे अच्छा लगता है, बस ये वाला कलर और एक येलो वाला, और रेड तो है ही मेरा ऑल टाइम फेवरेट। तो फ्रेंड्स आज का आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी आपसे नए ब्लॉग में, बाय फ्रेंड्स।